अब मैं दुबे साहब आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि ये जो तस्वीर निकल कर सामने आई दिल्ली की वैसे ही, इस पर आपका कमेंट। देखिए, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव भी जीत सकते हैं अगर वो ऐसे ही काम करें जैसा कि लोकसभा चुनाव के लिए काम करते हैं, तो मैं तो बहुत हैरत में हूँ ये सुन के। दिल्ली में लोकसभा 2014 में, 2019 में सातों भाजपा के जीते हैं, लेकिन भाजपा के सांसदों ने दिल्ली में क्या काम किया है जी? अगर दिल्ली में भाजपा के सांसदों ने काम किया होता तो अभी जो जैसे ही गठजोड़ हुआ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है, जो सांसदों के खिलाफ है एंटी इनकम्बेंसी है, उसको ख़त्म करने के लिए इनको हटा देना चाहिए था। तो मनोज तिवारी को छोड़ के बाकी सबको उन्होंने बदल दिया, पूरे छः सांसद उन्होंने, छः टिकट उन्होंने बदले। तो इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली में जिस वजह से जीतते हैं वो वजह दूसरी है, वो सांसदों के काम की वजह से नहीं जीतते, सांसद देने की वजह से जीतते हैं। बिल्कुल, सांसदों ने क्या किया एक तस्वीर में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक एक प्रतिक्रिया जो तमाम राजनीतिक दलों के नेता मौजूद हैं उनसे लेना ज़रूरी है। एक लाइन में बोल देता हूँ, आप राजनेताओं पर जा रहे हैं, आपने भले ही अनइंटेंशनली गुप्ता जी को, राजल साहब को दूर रखा हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये डिस्टेंस अभी बनी हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। बिल्कुल, आदिल भाई ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पक्ष रखने आए हैं, ये बताइए तो ऐसा गठबंधन हो गया कि आप ही नहीं रहे? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अभी आपका हमने जो सर्वे आपने दिखाया, ओपिनियन पोल दिखाया जी, अभी बहुत जल्दी है, कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, तो मुझे लगता है कि मुझे आइडिया नहीं कितने परसेंट पर ये लिया गया, क्योंकि मैं अभी पहुंचा स्टूडियो आपके जी। लेकिन एक चीज़ मैंने अभी आपके जो आप दिल्ली की जनता को दिखा रहे थे, मैं उनको नाम सहित पहचानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनूप पांडे जी थे जिनसे आपके पत्रकार पूछ रहे थे, बलिया के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते भी नहीं है, मैं इतना जानकारी उनके बारे में बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सातों की सात सीट जीत रही थी जी, या जीत रही होती, तो अपने कैबिनेट मंत्री को यहां से टिकट नहीं काटती। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली की, जैसे अभी बहुत सारे पत्रकार साथियों ने कहा, वरिष्ठ साथियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रैक्टिस अपनाती रही है और जीतती रही है, ये दिल्ली के सातों सांसदों ने दिल्ली को ठप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, दिल्ली की जनता जानती है। और ये प्रैक्टिस भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के चुनाव में भी किया था, आपको याद होगा एमसीडी के चुनाव में चेहरे बदले थे, पर इसी दिल्ली की जनता ने उनको धूल में चटाया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये लोग जनता के बीच में जाएंगे, जो नए चेहरे जिनको भारतीय जनता पार्टी बता रही है, किसी ने ललित मोदी से पैसा खाया है, सबके अपने रिकॉर्ड हैं आपको पता है, तो मेरा ये कहना कि जनता के बीच में जाएंगे तो जनता ये सवाल पूछेगी कि जब मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद की जा रही थी तो आपके पुराने सातों सांसद कहां थे? जब दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद किए जा रहे थे, चेकअप बंद कराया जाता है एलजी द्वारा, तो आपके मोहल्ला, ये आपके सातों सांसद, एक बात, जब दिल्ली का हक रात के अंधेरे में छीना जा रहा था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, दिल्ली की जनता के फैसले, दिल्ली की जनता के हक में एक फैसला सुनाया था, उसको जब पलटा जा रहा था, तो आपके सातों सांसद पूछते हैं जी। हरीश खुराना साहब बताइए, इस सात के आंकड़े से सहमत नहीं है और कई सवाल भी इन्होंने पूछे हैं। हेलो जी, सहमत होना या ना होना वो उनका प्रेरोगेटिव है जी, लेकिन इन्होंने एक बात करी कि अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक कहा। हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है दिल्ली को लेके, लगभग हमारा 65% वोट के आसपास हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को 65% वोट मिलेगा, ये हमारा इंटरनल असेसमेंट है। आप 57 दिखा रहे हैं, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो मोदी जी फील्ड में उतरे नहीं हैं, लोगों के बीच अभी गए नहीं हैं, लोगों की रैलियाँ नहीं करी हैं। ये जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं ना जी, ये पैन एशिया, मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, 370 हमारा टारगेट है, 400 एनडीए का टारगेट है जी। निश्चित तौर के ऊपर हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली का भी प्यार, लोगों का प्यार और देश का भी प्यार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरी अभी बातें मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र कर रहे थे कि टिकटें क्यों बदल दी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके कैंडिडेट इतने अच्छे थे और जो हार गए, अगर वो फील्ड में थे तो आपने भी तो बदले हैं, आपने क्यों नहीं उनको रिपीट किया जी? आपने सोमनाथ भारती को क्यों लगाया जी? इसलिए मेरा कहना है, टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना, क्या करना है, लोगों को मौका देना होता है जी। आप दो बार का अगर सांसद है तो क्या सारी जिंदगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी है यहाँ, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर या राजस्थान के अंदर हमने कार्यकर्ताओं को मौका दिया, चीफ मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया, ऐसे ही सांसदों को हम मौका दे रहे हैं, नए सांसदों को मौका दे रहे हैं, उसमें गलत क्या है? अगर आपको इस ये थ्योरी है कि उन्होंने काम नहीं किया, तो इसका मतलब आपके लोग फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। सांसद
सांसद जो इन्होंने लड़े थे आपने तो सारे बदल दिए जी, तीन चार आपके जो लड़ने हैं चारों बदले हैं आपने, क्यों बदले हैं बता दीजिए। देखिए खुराना साहब बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये सर्वे कर लेती है कि 57% उनके वोट बैंक हैं तो कभी भी अपने सिटिंग एमपीज को नहीं बदलती, ये भी जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है कि ये कार्यकर्ता को मौका देती है, जनता पार्टी है मेरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मौका देती है। दो तिहाई बहुमत मिलने के बाद भी हम मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, घटना इस बात की दलील है। ठीक है, आप दोनों को रोको, कांग्रेस की बात कर लीजिए। कांग्रेस की बात भी सुन लेते हैं, नहीं बोलने देंगे उनके पास। ठीक है आदिल भाई रुके, अभी यशवंत जी ने जब बोल रहे थे तो एक अच्छी बात कही, यशवंत जी ने कहा कि दिल्ली का 20% मतदाता जो है जी, वो अगर आप पार्टी को वोट नहीं देता है तो वो कांग्रेस को नहीं जाएगा, बीजेपी को चला जाएगा। यशवंत जी मैं गलत तो नहीं, लेकिन मैं इसका उल्टा समझता हूं जी। जब हम लोग अलग अलग लड़ रहे होते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत डायनेमिक वोटर हैं जी, दिल्ली के अंदर वो ये समझता है कि जीत कौन रहा है। जब अलग अलग लड़ते हैं तो लोगों के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है जी। आप पार्टी कांग्रेस और बीजेपी जब तीनों अलग अलग लड़ती हैं तो पंजाब में नहीं सोचते लोग ऐसा? एक मिनट, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो ये दिल्ली की बात करो, दिल्ली के विषय में उन्होंने, दिल्ली में बताऊंगा मैं, दिल्ली के विषय में कहा कि 20% मतदाता जो है वो आपको वोट डालता है, अगर वो कांग्रेस को वोट नहीं डालेगा बीजेपी को डाल देगा। एक मिनट रुकिए, आप जल्दी से बात पूरी करिए जी। तो मैं ये कहता हूं कि जब गठबंधन हो गया है, वो 20% मतदाता जो बीजेपी को वोट डालने की जो बात कर रहे हैं वो महागठबंधन को वोट डालेगा, क्योंकि उसको विश्वास होगा। एक मिनट रुकिए यार, एक मिनट तो धनी कीजिए ना, आप ही बोलिए बोले चाहे गुप्ते, बात पूरी करिए। उसको विश्वास होगा इस बात का कि महागठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता है, तो वो 20% मतदाता महागठबंधन को वोट डालेगा। क्यों? कि 2014 के अंदर चुनाव में 1% टोटल वोट दोनों को मिलाकर और बीजेपी की तुलना के अंदर टोटल वोट महागठबंधन का ज्यादा था, जबकि 2019 में उसका उल्टा हुआ जी। अगर हम महागठबंधन के वोट की बात करें तो ये देखिएगा, सातों की सातों सीटें दिल्ली में। ठीक है, आप दावा कर रहे हैं, कितने वाले मुझे तस्वीर बदलेगी, 10 सेकंड का जवाब जी। ये लगता है मुझे कांग्रेस के साथ यही दुविधा है कि ये लोग वोटर्स को ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये अब सुनिए, अब सुनिए, ये देखिए ये क्या तरीका हुआ यार। आप बोलिए खुराना जी बोलिए। अब सुनिए, ये दिल्ली के अंदर क्या जवाब देंगे जब आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर इनके अपने नेता राजीव गांधी का भारत रत्न वापसी की बात करी, यशवंत जी से बात कीजिए, यशवंत जी ने कहा है, सवाल ये और आपकी बात। एक मिनट रोजी, एक मिनट बीच में बोलता हूं जी, जो मैं बोल रहा हूं पहले वो शुरू हो गया, शुरू हो गए, नहीं रुकिए ना, आपकी बारी नहीं है। ये क्या तरीका हुआ, खुराना जी आराम से आपसे बात करते हैं जी, मेरे मुझे पूरी करने दीजिएगा संक्षेप में। एक बात ये भी बीच में आई थी कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का गढ़ रहा है, यह बिल्कुल गलत बात है। सुनिए, 25 साल से विधानसभा में, एक और बड़ी खबर आ रही है मुझे उस पर भी जाना है, विधानसभा में बीजेपी नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।